हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। बीएससी नर्सिंग के साथ साथ बीएससी पैरामेडिकल के बारे में भी बात करेंगे। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर मैं बोलूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज के एप्लीकेशन फॉर्म 2021 के निकल गए हैं। वीडियो में कम्प्लीट मैं डिटेल से बताऊँगी कि कैसे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ हम वीडियो में बात करेंगे। तो हम बात करें JNK के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं एंड यहाँ पर जो है एडमिशन के बारे में भी हम जानेंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हुए हैं बीएससी नर्सिंग के लिए अलोंग विद बीएससी पैरामेडिकल के लिए। तो काफ़ी टाइम पहले जो है जेएनके यूनिवर्सिटी ने जो है एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने बोल रखा था कि बीएससी नर्सिंग के लिए एंड पैरामेडिकल के लिए जो एडमिशन रहेगा 2021 में वो नीट के स्कोर के बेसिस पर हम लेने वाले हैं। एंड उसके बाद जो है काफ़ी टाइम गुजर गया एंड उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं निकाला था, बट अभी इन्होंने नोटिस निकाला है एंड जिसमें मैंशन कर रखा है कि हम जो है नीट के थ्रू एग्ज़ाम नहीं लेंगे या फिर नीट के थ्रू एडमिशन नहीं लेंगे, नीट के थ्रू सिलेक्शन नहीं लेने वाले हैं। हम अपना ही जो एंट्रेंस एग्जाम रहता है वो ही सेम जो प्रीवियस ईयर्स में रहता है वही कंटिन्यू करने वाले हैं। अब यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्यों किया है ये तो हम जस्ट प्रेडिकेट कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो है ये नहीं बोल सकते कि 100% यही रीज़न रहा होगा। मोस्ट प्रोबेबली तो रीज़न यही रहा होगा कि यहाँ पर जैसे कि पता है कि इंट अभी जो है कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है एंड अभी भी श्योरिटी नहीं है नीट की डेट को लेकर। तो इस वजह से जो है JNK ने बोल किया है, बिकॉज यहाँ पर जो है एडमिशन जो है काफ़ी टाइम पहले हो जाते हैं, ठीक है। काफ़ी यहाँ पर जो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही एडमिशन के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं एंड अभी जो है काफ़ी लेट हो गया है एंड अभी भी कंफर्म नहीं है नीट का, तो इसी वजह से इन्होंने नीट से हटा दिया है। अभी इस बार जो है ये एडमिशन लेने वाले जो अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रहता है इनका हर साल, उसी के बेसिस पर एंट्रेंस एग्जाम लेने वाले। तो गुड न्यूज़ है ये सभी के लिए जो भी कैंडिडेट्स एडमिशन लेना चाहते हैं, बिकॉज काफ़ी अच्छा यहाँ पर इस बार तो एटलीस्ट यहाँ पर जो है तुम्हें नीट फाइट नहीं करना पड़ेगा जो भी JNK में एडमिशन लेना चाहते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी जो कि मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया। तो इन्होंने जो है एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए हैं एंड सभी की सभी इन्फॉर्मेशन अभी अपग्रेड हो गई है, तो वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे लगातार अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो एडमिशन नोटिस आ गया है कॉमन टेस्ट, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल के लिए। तो नोटिस में क्या बोल रखा है कि यहाँ पर जो है JNK ने ये डिसाइड किया है कि यहाँ पर जो है आप लोग जो है अभी जो है टाइम आ गया है एप्लीकेशन फॉर्म का। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल 2021 एंड यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर रिसिप्ट यहाँ पर मिलने वाली है 19 को एंड लास्ट डेट रहने वाली है 7 अगस्त। 7 अगस्त तक आप लोग मिडनाइट तक फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो वो 1000 रहने वाली है रुपीज़, यहाँ पर जो है 1000 रुपीज़ यहाँ पर लगने वाले हैं। कैसे करना है, क्रेडिट से, डेबिट से, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है jkbop.gov.in, यहीं पर जाकर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ब्राउजर भी मिल जाएगा। मैं लेके चलूँगी वीडियो में, लास्ट में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भी बताऊँगी, तो सिलेबस भी हम देखेंगे। तो अभी तक जो है यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है इन्होंने अनाउंस नहीं किया है कि इस डेट को एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो जैसे अनाउंस होगी तो मैं ज़रूर से चैनल के ऊपर शेयर करने वाली हूँ, तो उसके लिए आप सभी को जो है तैयार रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेनी है। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड से जो है रिलीज कर दिए गए हैं एंड यहाँ पर जो है मिडनाइट तक जो है 7 अगस्त तक आप लोग जो है इसको फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है वो हम बात कर लेते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स उनको अपलोड करने होंगे ओरिजिनल सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स PDF फॉर्म में अटैच करने होंगे। तो गाइस आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड से सबमिट करना होगा एंड यहाँ पर जो है सबमिशन से रिलेटेड स्टेप्स वगैरह भी दे रखे हैं। आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर PDF फॉर्म में जो है सेंड करने होंगे या फिर अटैच करने होंगे। मैं बोलूँ यहाँ पर आपके पास जो है डोमिसाइल होना चाहिए UT ऑफ JNK या फिर जो है हम बात करेंगे अभी एलिजिबिलिटी के बारे में, उसके साथ साथ 12th पास होनी चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिजर्व कैटेगरी होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं
वो भी आप लोग जो भी रिक्वेस्टेड हैं वो आप लोग जो है यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को जाकर जो है अभी मैं दिखाऊंगी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा या फिर मैं बोलूँ आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन आपको जो है लॉग इन करना होगा ऑनलाइन मोड से। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम के लिए क्या है, तो सबसे पहले जो है जेएनके का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। इफ द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द कोर्स डू नॉट हैव डोमिसाइल एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ही इज एडवाइज टू अपलोड एन अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट दैट ही और शी विल प्रोड्यूस दैट डोमिसाइल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, अगर एडमिशन के टाइम पर डोमिसाइल नहीं होगा तो आप लोग जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप लोग एप्लीकेशन जो है डाल सकते हैं कि मैं जो है ये डोमिसाइल जो है काउंसलिंग के टाइम पर सबमिट कर दूंगा। तो बट डोमिसाइल यहाँ पर आपको 100% रिक्वायर्ड है अगर आपको एडमिशन लेना है। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर यूटी ऑफ यहाँ पर बिलोंग करते हैं, एसटी सर्टिफिकेट इशू है उनके पास, वो भी यहाँ पर जो है लाइक अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी एज लाइक डोमिसाइल ही ट्रेड किया जाएगा। 17 ईयर्स की मिनिमम एज होनी चाहिए, 45% मार्क्स पीसीबी में होने चाहिए 12th बोर्ड से, एंड ये बोर्ड यहाँ पर होने चाहिए। आप लोग देख सकते हैं एचएससीई, ठीक है, ये सभी बोर्ड्स होने चाहिए, इनमें 12th में जो है 45% मार्क्स होने चाहिए। पैरामेडिकल के लिए बात करें तो सेम थिंग, डोमिसाइल 17 ईयर्स की है, 12th पास विद 50% मार्क्स ओपन कैटेगरी, 40% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी से होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए इन द फॉलोइंग बोर्ड। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया। तो सिक्किम जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी फॉर द बीएससी टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर भी सेम ही एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर जो है 50% ओपन एंड 40% जो है यहाँ पर जो है अदर कैटेगरी के लिए यहाँ पर चेंज। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अभी 12th में हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छी न्यूज़ है, 12th में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सच कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड एग्जाम एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, एंड यहाँ पर काउंसलिंग के टाइम पर जो है आप लोग स्टूडेंट्स हम आ गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो है सिलेबस वगैरह कहाँ से मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा, दैट इज़ jkbop.government.in। फ्रेंड्स, अभी तक इन्होंने बीएससी नर्सिंग का जो है ई ब्राउजर अपलोड नहीं किया, तो आप जो है पैरामेडिकल का देख सकते हैं। पैरामेडिकल आफ्टर क्लास 12th में करके आपको जो सिलेबस दिख जाएगा, मैं आपको जो सिलेबस दिखाने वाली हूँ। बाकी आप वेट करना चाहें तो वेट भी कर सकते हैं, जैसे ही सिलेबस अपलोड होगा मैं आपको बता दूंगी। एंड यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट 11th 12th आने वाली है, तो फिजिक्स के केमिस्ट्री के एंड यहाँ पर जो है आप जो है कंप्लीट यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमने ई ब्राउजर भी आपको थोड़ा सा दिखा दिया। बाकी जो है अभी तक फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द कॉमन एंट्रेंस 2021 बीएससी नर्सिंग बीएससी पैरामेडिकल डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए, जो कि कल रिलीज हुआ है। एंड यहाँ पर जो आप जब नीचे आएंगे तो आपको डिफरेंट लिंक मिल जाएंगे, लाइक यहाँ पर जिनके फॉर्म जो है अभी स्टार्ट हो चुके हैं उनके यहाँ पर जो है लिंक मिल जाएंगे। तो अभी तक फ्रेंड्स लिंक एक्टिवेट होने वाला है 19th जुलाई को लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, एंड 17th अगस्त तक लिंक जो है एक्टिवेट रहने वाला है। यूआरएल आपको प्रोवाइड हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाई, वहीं पर यहाँ पर जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के लिए पैरामेडिकल के लिए लिंक एक्टिवेट है, वहीं पर बीएससी नर्सिंग के लिए 19 जुलाई से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा बीएससी नर्सिंग एंड 12th बेस पैरामेडिकल के लिए आप अप्लाई कर सकोगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ऐसे लगातार अपडेट्स इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू।